वालेकुम व्यूवर्स, बानो चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हर दफ़ा मैं आपको हर वीडियो में मुख्तलिफ डिशेस बनाना सिखाती हूँ। आज लेकिन मैं नहायत ही मुफीद और जो है बहुत ही मज़ेदार गोल्ड मिल्क आपको बनाने की तरीका बताती हूँ, जो नहायत ही मौसर होता है और फ़ायदेमंद होता है। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। दूध हाफ कप, आप ये फ्रेश मिल्क ले लें, और ये जो है पानी हाफ कप है, हल्दी जो है 1/4 टीस्पून है, एक अदद दालचीनी की स्टिक लिए मैंने, छोटी इलायची 2 अदद और लौंग 1 अदद। अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब एक पतीली में हम ये हाफ कप पानी जो हमने लिया था वो शामिल करेंगे, और ये हाफ कप जो हमने दूध लिया था वो शामिल करेंगे हम, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक दालचीनी जो हमने कही थी वो, 2 अदद छोटी इलायची और 1 अदद लौंग। अब इसको हम इसमें बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम फिर अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। व्यूअर्स, आप ये देखें कि दूध बॉईल होना शुरू हो गया है, और ये आप देखें हल्का हल्का दूध बॉयल हो रहा है, और उसमें ये छोटी इलायची और दालचीनी वगैरह सब इसकी खुशबू भी आ रही है। अब ये पूरी तरीके से जब ये बॉयल होने लगेगा तो हम फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अब आप ये देखें कि दूध बिल्कुल बॉयल हो गया है, तो इसमें जो मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, धीमी आंच पर ये पकाएंगे ताकि हल्दी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी पकाने से। ये मैं 1 कप का आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि ये 1 कप में 2 इलायची और 1 दालचीनी और 1 लौंग डलती है। अब इसके हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे, और जिस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे इसको बॉयल होने के बाद। व्यूअर्स देखें, ये हमने इसको इतना पकाया है कि ये 1 कप यानी आधा कप पानी था और आधा कप दूध था, और ये पककर जो है तकरीबन आधा कप रह गया है। अब हम इसको छान के निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, दूध को छान के मैंने निकाल लिया है। आप ये देखेंगे अभी धुआं भी निकल रहा है। ये हल्दी जो है, हल्दी का दूध जो बना है, गोल्ड मिल्क बनाया है मैंने, जो बहुत ही इंतहाई मज़ेदार और जो है ताकत से भरपूर होता है। ये हड्डी और पट्ठों के दर्द में और इन्फ्लेमेशन में या कहीं पे जलन होती है उसमें बहुत कारामद है, और रात को नींद लाने में बहुत अच्छा है, बहुत सुकून की नींद आती है। इसको आप तैयार करने के बाद, और आप जो है रात सोने से आधा घंटा पहले जो है इसको आप पिए, और नीम गर्म जिस तरीके से धुआं निकल रहा है हल्का हल्का सिप लेके पिए। ये जख्मों को भी आराम देता है भरने में, और जो जिम और एक्सरसाइज लड़के लड़कियां करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कारामद है, क्योंकि जब वो जिम से आते हैं तो थकते हैं, उनके हड्डियों में बॉडी में दर्द होता है। हल्दी दूध पीने से उनके जिस्म में आराम होता है। ये हमारी आज की जो है रेसिपी गोल्ड मिल्क तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।